एक प्लेट बिरयानी, आए बिन बुलाए चार मेहमान। सरोज नगर में देवकी भद्री नाम के पति पत्नी रहते थे। देवकी भद्री दोनों बहुत बड़े कंजूस थे। अगर कोई उनके घर को आए तो उन्हें 10 मिनट से ज्यादा वहां रहने नहीं देते थे। एक बार देवकी से भद्री, देवकी मुझे पिछले एक साल से बिरयानी खाने का मन कर रहा है। उस इच्छा को थोड़ा थोड़ा करके दबा के रखते आ रहा हूँ। आज कुछ भी करके 4 स्पून बिरयानी मिलेगी क्या, देख के आता हूँ, कहा देवकी। तब आप क्या बात कर रहे हैं, हम बचत करने वाले हैं, मगर भिखारी नहीं। अभी जाकर 50 ग्राम चिकन लेकर आइए। आते आते राशन के दुकान में से दालचीनी, एक इलायची, उसके साथ साथ 4 पुदीने के पत्ते चुरा कर लाइए। अच्छे से दोनों के लिए एक प्लेट बिरयानी बनाऊंगी, आराम से खाएंगे, बोली बद्री। ठीक है कहकर बाहर जाकर पत्नी के बोले सारे सामान लाया। थोड़ी देर के बाद देवकी उनसे गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी बनाई। इतने में देवकी के दूर का रिश्तेदार मुन्ना और उसकी पत्नी रेनू, उनके साथ सीनू और दिव्या नाम के दो जोड़े उनके घर को आए। उन्हें देखकर देवकी और भद्री दोनों दंग हो गए। भद्री वालों से सीनू, दीदी नई नई शादी हुई ना, यहाँ आ गए, अब कम से कम एक महीना ये पूरा शहर घूमेंगे। शादी के बाद जिंदगी कैसे जीना कह के आपकी सलाह चाहिए दीदी, कहा। तब देवकी पति से धीरे से, ये क्या, ये निकम्मी अब भी आए, इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा क्या, और ऊपर से एक महीने रहने आए हैं बोल रहे हैं, सालों बाद आज बिरयानी बनाई, ये सारा बिरयानी खाए तो कैसे, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, बोली भद्री। तब तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा ना, जाओ जाकर सबके लिए थालियां लाओ, कहा। तब देवकी सबके लिए थाली लाई और जमीन पे रखी। बाद में वो लोग एक स्टूल पे बिरयानी को रखे। उन लोगों से भद्री, देखिए जिंदगी इस स्टूल पे रखे बिरयानी के जैसी है, हमारी भूख ही हमारी आशाएं हैं, इसलिए हमारे आशाओं को एक एक करके पूरा करेंगे। इसके लिए हम ऊपर उठकर एक एक दाने को प्लेट में से लेकर नीचे मौजूद प्लेट में रखकर बैठ के खाएंगे। ऐसे जो कोई भी एक एक दाने को प्लेट में रखकर आखिर तक खाएगा, मैं उन्हें एक अच्छा तोहफा दूंगा, कहा। तब सब ठीक है कहकर ऊपर उठकर एक एक दाने को प्लेट में से लेकर अपने थालियों में रखकर बैठकर खाने लगे। ऐसे वो सब मिलकर एक एक दाना खाने लगे। ऐसे 5 घंटे बीते, आधी बिरयानी भी खत्म नहीं हुई। खड़े होकर दाना खाते खाते उनके बदन दर्द होने लगे और वो नीचे गिर गए। सीनू वालों को देखकर बद्री, अरे ऐसे क्यों गिर गए, गेम अच्छा है ना, और आधी बिरयानी बाकी है, अंदर और थोड़ी बिरयानी है, लाओ क्या, तुम्हें भूख लग रही है ना, कहा। सीनू तब, अरे नीच आदमी, एंजॉय करने के लिए आए तो हमारे कमर तोड़कर हमें हॉस्पिटल भेज रहे हो ना, और ऊपर से तेरी बीवी टूटे चावल से बिरयानी बनाई, वो चींटियों के जितने हैं, उन्हें हम खड़े होकर प्लेटों में रखकर खाना है क्या, छी ये भी कोई जिंदगी है, हम अभी जा रहे हैं, फिर कभी तुम्हारे घर को नहीं आएंगे, कहकर वो सब वहां से चले गए। ये देखकर बद्री और देवकी हंसने लगे। बाद में वो लोग बचे हुए बिरयानी को प्लेटों में रखकर खाए।